नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे IRFC शेयर के नेक्स्ट लेवल्स और इंपॉर्टेंट टारगेट्स के ऊपर। देखिए, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, कंसोलिडेशन कंटिन्यू में देखने को मिल रहा है। जोन बना हुआ है 21.50 रुपीज़ का और यहाँ पर 21.20 रुपीज़ का। ये दोनों जोन इसमें कंटिन्यू फॉर्मेशन में बने हुए हैं। जिस साइड भी ब्रेक करेगा, अच्छा खासा मोमेंटम में देखने को मिल जाएगा। आप अगर देखेंगे 20.85 रुपीज़ को ऑलरेडी टच करके एक अच्छा खासा मोमेंटम में दिखाया था। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा इसमें एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और बायर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी एक्टिव बायर्स हैं। आप अगर पिछले वाले मोमेंटम देखेंगे यहां पर तो मैं अच्छे खासे बारिश देखने को मिले थे। उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन पर। अगर ये इन द अपसाइड ट्रेंड 21.80 रुपीस को दोबारा से ब्रेक करता है, और ब्रेक करने का मतलब आपको ब्रेक देखना है कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, हमें एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। बिकॉज जिस तरीके का मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, उससे प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अपसाइड ट्रेंड में आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपको जो स्टॉप लॉस है वो 20.85 के आसपास रखना होगा, जिससे कि आपका लॉस भी इसमें कम हो अगर हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी इन द अपसाइड ट्रेंड की इस स्टॉक में, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कंसोलिडेशन जिस तरीके का हमें बना है, डाउनवर्ड आके इतना ज़्यादा अपसाइड फॉर एक कंसोलिडेशन और दोबारा से एक अपसाइड ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं मोमेंटम अपसाइड का है, बट आपको ध्यान रखना होगा ये लेवल्स का बिफोर बाइंग और सेलिंग। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए थी।